हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. कैसे हो आप सब लोग? और अभी अभी आपने अभी जो नज़ारा देखा वो मेरी गली का ही है. मतलब सुबह सुबह का टाइम है और जस्ट अभी एक लॉरी टैंक आया हुआ है. लॉरी टैंक मतलब चेन्नई में जो है, चेन्नई क्राइसिस फॉर वाटर. और ये चीज़ जो है कभी कभी न्यूज़ में भी दिखाई जा रही है कि चेन्नई में वाटर की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है. तो आज मैंने देखा कि लॉरी वाटर आया हुआ है टैंक में. तो आपने भी देखा कि लोग जो हैं वो कितने सारे लोग इस तरह से पानी भर के लेके जा रहे हैं अपने घरों में. तो मैं बस आप लोगों को एक ये मैसेज देना चाहती हूँ और आप से रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ कि हम कोशिश ये करें कि हम ज़्यादा पानी वेस्ट ना करें. मतलब हमें जितनी ज़रूरत हो हम उतना ही पानी यूज़ करें, ज़रूरत से ज़्यादा हम पानी वेस्ट नहीं करें. क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे पानी की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है. तो वो होता है ना, जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, तो उसी तरह से हमें भी थोड़ा थोड़ा ही सही बट पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी बचाएं. मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है. और मैं जब से चेन्नई में रह रही हूँ, मतलब मुझे 3-4 साल होने वाले हैं, 3 साल तो शायद हो ही गए होंगे, तो मैंने ना हर साल देखा है, हर साल चेन्नई में इस तरह से ये पानी की दिक्कत होती है. मोस्टली गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा होती है. और चेन्नई में जो है ऑल टाइम गर्मी ही रहती है, बट जो एक गर्मी वाला सीज़न होता है ना, जैसे ये जून वाला जो सीज़न होता है, मार्च अप्रैल मई जून सॉरी अप्रैल मई जून वाला जो सीज़न होता है, इस टाइम पे यहाँ पे भयंकर वाली गर्मी होती है. और जितनी ज़्यादा भयंकर वाली गर्मी होती है उतनी यहाँ पे पानी की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है. तो कोशिश हमारी भी यही रहती है कि हम कम से कम पानी वेस्ट करें, ज़्यादा पानी वेस्ट ना करें. मतलब जितनी ज़रूरत हो उतना यूज़ करें. यहाँ तक कि ना कि जो मेरे कपड़े हैं ना, जैसे मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े जो धोती हूँ ना, वो मेरा डेली का या एक दिन छोड़ के एक दिन का नहीं है. मैं वीकली एक बार ही मशीन में, सिर्फ एक बार ही कपड़े धोती हूँ. क्योंकि वो ना फुली ऑटोमेटिक मशीन है और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो फुली ऑटोमेटिक मशीन जो होती है वो कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ा ज़्यादा पानी लेती है. इस वजह से तो वीकली वंस मैं उसमें कपड़े धोती हूँ. और एक ही लॉट होता है जो एक ही लॉट में चलाती हूँ. अदरवाइज़ जो डेली के कपड़े हुए, छोटे मोटे कपड़े विनी के हुए, मेरे हुए और सचिन के, तो वो सब हम लोग डेली ही धो लेते हैं कपड़े. और मशीन में जैसे बड़े बड़े ये चादर वगैरह हो गई या फिर कुछ कपड़े रह गए जो मैं नहीं धो पाई, तो वो वीकली मैं एक बार सारे धो देती हूँ. तो कोशिश यही रहती है कि पानी बचाएं. तो मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही पानी को लेके ज्ञान दे दिया, बट ये ज्ञान ज़रूरी है और हमें इस चीज़ के बारे में सोचना भी चाहिए. तो बस यही मेरा एक मैसेज है आप लोगों को.